लोकसभा चुनावों से पहले कांग्रेस के प्रवक्ता अजय माकन ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी के सभी खाते फ्रीज कर दिए गए हैं, जिसका मतलब है कि लोकतंत्र के सारे दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। एक दो हफ्ते में चुनाव की घोषणा होनी है, ऐसे में ये हरकतें तानाशाही हैं। शुक्रवार यानी कि 16 जनवरी को कांग्रेस कोषाध्यक्ष अजय माकन ने बताया कि आयकर विभाग ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय युवा कांग्रेस के बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है। ये कार्यवाही वर्ष 2018 से 19 के लिए आईटी रिटर्न दाखिल करने में 45 दिन की देरी के कारण हुई है। इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ने शुक्रवार को दोपहर 12:30 बजे कांग्रेस के फ्रीज खातों पर लगी रोक हटा दी है। कुछ ही घंटे पहले कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि पार्टी के बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अजय माकन ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि इनकम टैक्स ने यूथ कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी से 210 करोड़ रुपए की रिकवरी मांग की है। तो चलिए देख लेते हैं अजय माकन ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा है। Right now, we don't have any money. We don't know because we don't have any money to spend. We don't have money to pay the electricity bills. We don't have money to pay salaries to our employees. Everything is impacted. No, not only Nyaya, everything will be impacted. All political activities of the Congress party will be impacted. Now online donation, people are giving money to us and we are spending. So now this message will go when we are giving money and it is not coming to the party, should we give the money or not? अजय माकन ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा है कि ये कांग्रेस का खाता बंद नहीं किया गया है, बल्कि लोकतंत्र को बंद कर दिया गया है। जब चुनाव की घोषणा सिर्फ एक महीने दूर है, उन्होंने प्रमुख विपक्षी दल का खाता फ्रीज कर दिया है। क्या देश में एक ही पार्टी का शासन रहेगा? उन्होंने आगे बताया कि कांग्रेस के 4 खाते फ्रीज कर दिए गए हैं। माकन ने कहा कि पार्टी ने उनके खाते को डी फ्रीज करने के लिए आयकर अपीलीय प्राधिकरण ITAT से संपर्क किया है। आयकर विभाग ने पार्टी से 210 करोड़ रुपए की मांग की है। माकन ने कहा कि उन्हें 2018 से 19 के लिए अपना आईटी रिटर्न 31 दिसंबर 2019 तक दाखिल करना था, लेकिन पार्टी ने 40 से 45 दिनों की देरी से रिटर्न फाइल किया था। अजय माकन यही नहीं रुके, उन्होंने आगे बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि हमारा सारा पैसा क्राउड फंडिंग के जरिए आता है, इसमें किसी भी तरह की हेर फेर नहीं है। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को खाता सीज करना है या ब्लॉक करना है तो भारतीय जनता पार्टी के खाते को सीज करे। हमारे खाते को क्यों सीज किया गया है? तो कांग्रेस के खाते को सीज करने की जो कार्यवाही है वो किस हद तक सही है? क्या ये चुनावी हथकंडा है या वाकई में आयकर विभाग ने इसे 40 से 45 दिन रिटर्न फाइल करने की देरी के कारण ही सीज किया है? इसमें आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल खबर बेबाक को सब्सक्राइब करना ना भूलें।